everyone, welcome to my class. Today we will discuss 10th physics. The chapter that we are going to read is light. Light के बारे में हम पहले discuss कर चुके हैं. हम spherical mirror के ऊपर थे. Spherical mirror में से we are doing here concave mirror. तो concave mirror के लिए मैंने आपको image formation करना बताया है. Image formation के बाद जो उसको एक tabular form में आपने लिखना है, so that कि वो आपके लिए लर्न करना इजी हो जाए और वन वन मार्क के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सके. तो उसके लिए देखिए, हमने यहाँ पर एक टेबुलर फॉर्म क्रिएट की है. किसकी? कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज. दीज आर द पॉइंट्स दैट आर ऑलवेज आस्क्ड अबाउट द इमेज. कि आपकी इमेज की पोजिशन कहाँ है, क्या उसका साइज है और कैसा उसका नेचर है. हमें केवल ये दिया जाएगा कि हमने ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ है. सो इन द वेरी फर्स्ट केस वी हैव पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ. इमेज वॉज बिहाइंड द मिरर एंड लार्ज एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, केवल यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कॉनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है. अदरवाइज इट ऑलवेज फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. ये आपने अपने माइंड के अंदर बिल्कुल सेट कर लेनी है बात कि ओनली द वन सिचुएशन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ दैट द मिरर विल फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड व्हाट द मिरर दैट इज कॉनकेव मिरर. क्लियर? जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बनी हुई है, हाईली एंड लार्ज हम उसको मानकर चलेंगे एंड रियल एंड इन्वर्टेड. बिटवीन एफ एंड सी तो बियॉन्ड सी, और बियॉन्ड सी तो बिटवीन एफ एंड सी. इस तरह से इसको याद रखिए. फोकस पे रखा तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है इमेज, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज है हमारी फोकस पे. तो दीज आर द पर्टिकुलर पॉइंट एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, अनलार्ज, इक्वल टू ऑब्जेक्ट, डिमिनिश एंड हाईली डिमिनिश. डिमिनिश का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के साइज से कहीं ज़्यादा छोटी जब इमेज फॉर्म होती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि वो हमारी डिमिनिश ऑब्जेक्ट है. तो दिस इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ योर इमेज फॉर्मेशन. अगर आप अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से बनाते हैं खुद के माइंड से, टेपना नहीं है, खुद के माइंड से इसको अपनी नोटबुक में प्रिपेयर कीजिए. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम देन द टॉपिक विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो आपको अच्छे से समझ आएगा और उसके बाद आपके माइंड में ये भी सेट हो जाएगा कि अगर पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर. तो उसी हिसाब से आप अपना रे डायग्राम को प्रोसीड करवा सकते हैं. बिकॉज एट दैट टाइम यू विल यूज पेंसिल एंड स्केल सो दैट द प्रॉपर डायग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड. तो दिस इज द टेबुलर फॉर्म ऑफ रे डायग्राम्स दैट आर फॉर्मड बाय द कॉनकेव मिरर. इसके अलावा मैं आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बता चुकी हूँ कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, जो कि हमेशा रखा जाएगा, दिस इज द रूल फॉर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना है. सो वी कैन से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हमारा इमेज बना है तो हाइट ऑफ इमेज हम नेगेटिव लेंगे. ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम पोल दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड. तो देखिए, कॉनकेव मिरर के केस में इन चीजों को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे. नाउ देखिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये कुछ रूल समझाए थे, एक बार फिर से देख लीजिए. ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर फ्रॉम पोल एंड इफ वी आर गोइंग लाइक दिस डायरेक्शन और वी कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जहां पर इंसिडेंस हुई है. अगर आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव मेजर करेंगे डिस्टेंस को, लेकिन अगर रिवर्स आ रहे हैं तो नेगेटिव मेजर करेंगे. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट रखी है तो इसका हाइट h1 लेंगे. अगर इमेज नीचे बनती है तो हाइट आपने h2 लेना है. नाउ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इज u एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इज v. पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा कि आप इधर जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं. किसकी सिचुएशन पे? पोल की सिचुएशन पे. p से f फोकल लेंथ है और p से r हमारा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर स्टूडेंट? तो अब इस मिरर के लिए देखते हैं हम फोर कॉनकेव मिरर. फोर कॉनकेव मिरर, क्योंकि अभी हमने यही मिरर किया है, कॉनवेक्स मैंने अभी नहीं कराया, आपको कंफ्यूज हो जाओगे. तो पी से एफ मुझे मेजर करना है, पी से सी मेजर करना है. तो दिस इज पी एफ, वी आर कमिंग इन अपोजिट साइड ऑफ द इंसिडेंट रे. तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से फोकल लेंथ इसकी माइनस हो जाएगी.
इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या हो जाएगा माइनस, दीज आर फिक्स फॉर फॉर के मिरर, ये आपको अपने माइंड में फिक्स कर लेना है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ये आपको ही सिलेक्ट करना है कि आप इसे पॉजिटिव लेने वाले हैं या नेगेटिव। आपको कोई इंफॉर्मेशन उधर से नहीं दी जाएगी, केवल ये प्रेस्क्राइब किया जाएगा कि मिरर इज कॉनकेव। अब दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऊपर रखी है तो एच वन हमेशा ऊपर ही रहेगी, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव। इमेज नीचे भी बन सकता है लेकिन एक केस में यहाँ पर ऊपर भी बना था, तो उस केस में इमेज की जो हाइट रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी और यहाँ क्या रहेगी नेगेटिव। तो वो डिपेंड करता है कि इमेज कैसी बनी है। नाउ यू एंड मी, यू इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, तो पोल से अपोजिट आ रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरफ, तो यू विल बी टेकन एज माइनस यू। अब पोल से फिर वापस आ रहे हैं वी मेजर करते हुए, तो ये भी क्या रहेगा इसके लिए माइनस वी। लेकिन अगर उधर हमारा ऑब्जेक्ट बना है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इमेज बना है तो उसके लिए हो जाएगा प्लस वी। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो हमें यू पी और एफ के बीच में रिलेशन देगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल एंड फोकल लेंथ। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला के ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको ही डिसाइड करना है कि यू वी एफ को आपने कौन से साइन से यहाँ पर पुट करना है, कौन सा साइन उनको आप प्रोवाइड करवाएंगे जब आपको बताया जाएगा कि दिस इज ए कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए यू तो हमेशा क्या रहने वाला है माइनस, वी डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें इमेज वहां चली गई थी, और एफ क्या रहेगी इसके लिए हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो दिस इज द मिरर फॉर्मूला, स्टोर यू इन योर माइंड। नाउ मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन इज रिटन बाय स्मॉल एम एंड दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज जो यहाँ पर बनी है अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी इमेज की हाइट है जो मिरर ने बनाई है और कितना आपका ऑब्जेक्ट का हाइट था, उन दोनों का जो रेशियो होगा दैट विल गिव आउट मैग्निफिकेशन कि मिरर ने कितना मैग्निफाई करके चीजों को दिखाया है। और वी कैन से दिस इज इक्वल टू एच टू बाय एच वन। क्लियर, ये इसका फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंडली आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। माइनस अपने आप से यहाँ लगाना है पहले से ही। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और ये हमें पता ही है कहाँ से लेनी होती है, फ्रॉम पोल ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ से ली, फ्रॉम पोल। तो दिस रेशियो इज मैग्निफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस, दोनों ही मैग्निफिकेशन है। सो वी कैन राइट एच टू बाई एच वन इज इक्वल टू माइनस वी ओवर यू। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर, दोनों के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये रहने वाला है स्फेरिकल मिरर के लिए। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टेबल रीडिंग, जो कि टेबुलर फॉर्म हमने फॉर्मुलेट की थी, मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला सो दैट यू विल बी फेमिलियर फ्रॉम ऑल द थिंग्स यू वी एफ आर दैट्स आर टेकन हेयर। Now we will do this numerical question. सबसे पहले इसको समझते हैं क्या कहने वाला है। Find the size, nature and position of image formed by the concave mirror. मैंने आपको बताया था tabular form के अंदर कि ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। When an object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm from mirror of focal length 10 cm. सबसे पहले you have to check out कि ये कौन से मिरर की बात कर रहा है। This is concave mirror. Concave mirror के लिए solution करते हैं हम। क्या क्या उसने दिया है? Object of size 1 cm. तो ये क्या है? This is H1. H1 कितना दे दिया उसने? 1 cm. Object का size है भाई, height है। Is placed at a distance of 15 cm from mirror. Object का distance means u. That is उसने 15 cm दिया है। But concave mirror है तो दिस विल बी टेकन एज माइनस 15 सेंटीमीटर। क्लियर, फोकल लेंथ कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, बट फोकल लेंथ भी यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी माइनस 10 सेंटीमीटर। क्लियर,
क्योंकि दोनों किसके लिए है, सिचुएशन कॉनकेव मिरर के लिए. नाउ यूजिंग द मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f. व्हाट विल बी 1/v? दैट विल बी 1/f माइनस 1/u. क्लियर? वैल्यूज पुट करेंगे -1/10 बिकॉज f इज -10. यहां माइनस पहले ही है तो दिस विल बी प्लस हियर. इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स टेकिंग एलसीएम. 30 -3 + 2 दैट विल बी -1/30. ठीक है? और वी कैन से 1/v इज इक्वल टू -1/30 और v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर. और वी कैन से कि जो हमारा इमेज बना है वो मिरर के उसी साइड बना है जहां पर हमारी क्या रखी थी, ऑब्जेक्ट रखी थी, इसीलिए यहां पर ये क्या आया है, -30 सेंटीमीटर. तो आप यहां से उसकी पोजीशन बता सकते हैं इमेज की कि दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ये बातें यहां से आपको पता चलेगी. तो यहां हमने एक पॉइंट क्लियर कर दिया कि पोजीशन ऑफ इमेज. ठीक है? नाउ वी विल डिस्कस नेचर ऑफ इमेज. क्योंकि वो मिरर के सामने लेफ्ट साइड में इमेज बनी है, आपको पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए केवल एक इमेज उधर बनी थी, बाकी सारी लेफ्ट में बनी थी. तो व्हाट विल बी द नेचर, बता सकते हैं आप? नेचर विल बी रियल एंड इनवर्टेड. स्टेप वाइज क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो दिस विल बिकम वेरी इजी फॉर यू स्टूडेंट. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट साइज ऑफ इमेज. अब हमें इमेज का क्या निकालना है, साइज. साइज की बात रह गई है. साइज मीन्स मैग्निफिकेशन. अपने पास v भी है, u भी है, तो क्यों ना इस फॉर्मूला का यूटिलाइज किया जाए, -v/u. माइनस तो रहेगा ही रहेगा, v की वैल्यू -30 आई है हमारे पास और नीचे क्या है, u की वैल्यू -15. वही वैल्यूज आपने यहाँ पुट करनी है. ये वाले माइनस कैंसिल हो रहे हैं. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -2. एक बात अपने माइंड में स्टोर कर लीजिए स्टूडेंट्स, जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि इमेज होती है रियल एंड इनवर्टेड. मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड. और ये पॉइंट हम पहले भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुके हैं कि मैग्निक नेचर कैसी है यहाँ पे, रियल एंड इनवर्टेड. सो और चेंज होने वाली भी नहीं है. अगर हमें कहा जाए कि व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज को हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, h2/h1. अब मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ चुका है, -2. h2 हमें फाइंड आउट करना है और h1 हमें 1 दिया हुआ है. ठीक है? तो h2 विल बी इक्वल टू -2 सेंटीमीटर. यानी कि इमेज की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है. लेकिन -2 क्यों है, क्योंकि इट इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसीलिए उसकी हाइट को हमने क्या लिया है, माइनस में लिया है. तो ये थे आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन. अगर आपको कोई भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मिले तो मीन मतलब वहाँ पे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, और अगर नेगेटिव मिले तो रियल एंड इन्वर्टेड है. यहाँ तक के क्वेश्चन आपने अभी तक हमने क्या किया है, कॉनकेव मिरर को कम्प्लीट किया है. तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. मोस्टली बच्चे कॉनवेक्स और कॉनकेव को मिक्स कर देते हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पहले इसको पूरी तरह से प्रैक्टिस करिए ताकि कंफ्यूजन का कोई चांस ही ना रहे. रट्टाफिकेशन अलाउ नहीं है. रट्टाफिकेशन करोगे तो चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाएंगे आप लोग. ठीक है स्टूडेंट्स? तो इनको प्रैक्टिस कीजिए. इसके अलावा भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए. डाउट्स आते हैं कहीं पर तो यू कैन कॉल मी, यू कैन सेंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. कैसा भी करके आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कॉन्वेक्स मिरर के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू, हैव अ नाइस.